हमारे बापू का बचपन जीवन परिचय। यह मेरे बचपन की घटना है। मुझे यह याद भी नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। एक बार पिताजी श्रवण की पितृ भक्ति आधारित पुस्तक घर ले आए। मैंने उसे बड़े मन से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने का प्रचलन था। तभी मैंने भी बाइस्कोप में अपने अंधे माता पिता को बंघगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। उनका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं भी श्रवण कुमार की भांति बनूंगा। इसी दौरान मुझे सत्यवादी हरीशचंद्र नाटक देखने का मौका मिला। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरीशचंद्र की तरह मैं क्यों नहीं सत्यवादी बन सकता? ऐसे ख्याल मन में उठते रहते। बल्कि यह बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरीशचंद्र की भांति कितने ही कष्ट उठाने पड़े, लेकिन मैं सत्य की राह से कभी नहीं हटूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में अक्षर अच्छा होने की आवश्यकता नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोतियों जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। लेकिन कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लेखनी सुधारने का प्रयास भी किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना गया है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला बनाकर सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोतियों जैसे बनते हैं। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने प्रातःकाल सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत बन गया। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था, इसलिए यदि मुझसे कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके कारण शिक्षक मुझे दंड दे, तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे उस मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात शायद पहली या दूसरी कक्षा की रही होगी।